हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर। हेलो गाइस, मैं हूं। हेलो गाइस, मैं हूं नुमान। ओके, मैच में पीएसएल में मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम मतलब कर लिए हैं, तोड़ते रहते हैं वो रिकॉर्ड और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू देखेंगे कल के मैच के बाद का और देखेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं वो। ज़बरदस्त परफॉर्म किया था उन्होंने कल के मैच में। एंड चलिए बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इंटरव्यू देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। HBL PSL प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी एंड चेक ऑफ 500,000 रुपीस टू मोहम्मद रिजवान। तो इनको सीधे मैन ऑफ द मैच के लिए 5 लाख रुपए और ट्रॉफी। रिजवान, आपसे हम दोनों सवाल करेंगे, एक तो प्लेयर ऑफ द मैच के हिसाब से भी और विनिंग कैप्टन के हिसाब से। स्पीच एज ए प्लेयर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, यंग बच्चे भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप कीपिंग भी करते हैं टॉप ऑर्डर में, बैटिंग भी करते हैं, कैसे टाइम को डिवाइड करते हैं दोनों की प्रैक्टिस में, और कौन सी कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको दोनों को इम्प्रूव करने में फायदा देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, सवाल जिस तरह है तो क्योंकि इस पर तो पूरा जो पास्ट है मेरा वही है, और सिर्फ सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप अपने मेंटली अपने अप्रोच को आप कहीं कहीं पे मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइड कर सकें तो फिर आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप एक ही तरह खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर फंस जाएंगे, कहीं पर कामयाबी मिलेगी, कहीं पर आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप मुल्क में इस जगह पे जब आप हैं तो आप अगर मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबके सामने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस डिफरेंट होती है, दुबई में मुख्तलिफ तरीके से खेलना पड़ता है, तो सेम इसी चीज़ों को हमारे जितने भी जूनियर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि मैच की सिनारी वो मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मोमेंटम होता रहता है, तो उस मोमेंटम को लेते हुए प्लेयर को अपने जहन को लगाना चाहिए, फिर अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं। और आप हमेशा टीम के लिए खेलते नजर आते हैं, अपनी विकेट की परवाह नहीं करते, ये सोच को अगर डेवलप करना हो यंगस्टर्स को क्या तो क्या कर सकते हैं इसकी? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है मेरे ख्याल से, अगर आप टीम की खातर चीजें करते रहते हैं तो फिर अल्लाह पाक उसमें बरकत जरूर फरमाते हैं, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि जब जाती सोच हो इंसान की तो वो तो जात तक महदूद हो जाती है, मगर जब इज्तिमाई सोच होती है इंसान की और टीम के लिए उस चीज में हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसमें बरकत ना डाले। तो ये सबसे रिक्वेस्ट यही है, और अगर मैसेज के थ्रू पे देखा जाए तो हमारे जितने भी अक्सर माशाल्लाह आ भी रहे सबको देखा जा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जो जितने भी है वो सारे टीम को खेलने वाले। बहुत जबरदस्त मैसेज, और एज ए कैप्टन 5 में से 5 माशाल्लाह मैचेस आप लोगों ने जीत लिए हैं। टिम डेविड को वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पिक किया आपकी टीम में, किसको इसका क्रेडिट देंगे और कितना फायदा हो रहा है उनका टीम में होने से? देखिए जी, इस चीज़ का क्रेडिट जरूर आप हमारे जो मैनेजर हैदर भाई को देंगे, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट में था जो चीज़ें थी हमें तो समझ में आ भी नहीं रहा था, क्योंकि ये हर एक चीज़ एक डिफरेंट चीज़ होती है, हमारा खेलना है ये इतना आसान नहीं है। अब जो ड्राफ्ट का सारा सीनेरियो था वो इतना आसानी से उसने जो यूटिलाइज किया, चीज़ों को देखा दिन रात, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आईडी फ्लावर और हमारे जो ऑनर है और जो सारी चीज़ें मैनेजमेंट है, हम 2-3 बजे तक रात तक जो आपस में डिस्कस करते रहे किस तरह होगा, हैदर भाई ये होगा, इधर वो होगा, तो सारे इन्वॉल्व थे, और फिर अल्लाह पाक ने जो बरकत डाली इसकी सामने है, मैं तो अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अभी यहाँ भी मैन ऑफ द मैच खड़ा हूँ, और जिस तरह इनिंग्स टिम डेविड ने की है मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। बिल्कुल जी, आप भी खुशकिस्मत है और मुल्तान सुल्तान भी खुशकिस्मत है कि आप उनके कप्तान हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू। And that concludes the presentation. इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, मैन ऑफ द मैच 5 लाख का इनाम, एंड इस्लामिक स्पीच इनके मुंह से सुनने को मिलती है जब भी हमने सुनी है पुरानी स्पीचेस भी इनकी, तो कुछ अपने आप को फुल्ली क्रेडिट नहीं देते हैं, अपने काम को बोलते हैं कि हमने मेहनत करी थी, मैं अलग अलग तरीके से जो मोमेंटम चेंज होता रहता है टीम का चाहे मैच का जो भी चेंज होता रहता है उसके हिसाब से दिमाग चलाते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन ऊपर वाले को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। ये चीज़ बहुत सही लगती है इनकी स्पीचेस में, हमेशा एक तरीके से इस्लामिक स्पीच आप कह सकते हैं इनकी, हमेशा जब भी इनको टीवी पर सुनेंगे तो वही निकलता है इनके मुंह से एंड सुनने में भी अच्छा लगता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रिजवान। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।